बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत नर्रा पंचायत स्थित उत्क्रमित विद्यालय नर्रा में इन दिनों स्कूली बच्चे संग रसोइयों को भी पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय परिसर में वर्ष 2017 से 18 में 14वें वित्त आयोग द्वारा 16 युक्त पानी टंकी को लाया गया था, लेकिन एक माह के अंदर ही खराब हो जाने के कारण यहाँ छात्र छात्राओं को पानी के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही विद्यालय परिसर का चार दीवारी छोड़ा रहने के कारण कोई भी लोग विद्यालय के अंदर आ जाते हैं। कुछ शरारती तत्व के युवक विद्यालय के अंदर दीवार में गंदे गंदे शब्द लिख देते हैं। इस समस्या को लेकर ना तो सरकारी अधिकारी इसकी सूद ले रहे हैं और ना ही जन प्रतिनिधि। पानी के यहाँ बहुत दिक्कत है, खाना तक बाहर जाना पड़ता है धोने के लिए। यहाँ उधर बहुत गाड़ी आता है, बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, इसीलिए यहाँ पे नल भी खराब हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था। एक महीना से अधिक हो गया अभी तक बना नहीं है, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये सोलर जो पानी वाला टंकी लगा है कब से खराब है? करीब एक महीना से बेसी हो गया है, ऐसे तो प्लेट सब टूट चुका है और इधर लाइन से अगर जुड़वाते हैं तो मोटर खराब हो जाता है। इसकी सूचना तो हम मुखिया से बार बार दिए हुए हैं। इसकी शिकायत अब उच्च अधिकारी से नहीं कि यहाँ पानी की समस्या विद्यालय में है? नहीं, मुखिया के अलावे तो और अपना प्रबंध समिति वगैरह के लोगों को बताया है। बोकारो से चुरामन ठाकुर की रिपोर्ट।